हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं बालापीर इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हमारे पास एक सनसुई कंपनी का टीवी आया है बनने के लिए, और इस टीवी में दिक्कत क्या है वह आपको स्टार्ट करके टीवी दिखाते हैं। इसका जो पिक्चर है बाएं साइड से इधर से काला हो गया है, इतना 2 इंची काला आ रहा है, और पिक्चर एक साइड हो गया है, दाहिने तरफ पिक्चर अंदर घुस गया है। तो चलिए आपको टीवी हम स्टार्ट करके दिखाते हैं। हमने टीवी में सप्लाई दे दिया है और टीवी स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों जब तक टीवी स्टार्ट हो रहा है तब तक आप हमारे चैनल को लाल कलर से सब्सक्राइब लिखे को टच कर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि मैं नए नए वीडियो ऐसा बनाते रहता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों देखिए यही टीवी में बीमारी है, इधर से 2 इंच यह काला हो गया है। यह सनसुई कंपनी का टीवी है और इधर से पिक्चर ठीक है। अब एक बार आपको हम ए भी कोड लगा कर और डीटीएच स्टार्ट करके पिक्चर चला के दिखाते हैं। दोस्तों हमने ए भी कोड लगा दिया है और डीटीएच स्टार्ट कर दिया है। अब टीवी को हम ए भी करते हैं और इसका पिक्चर आपको दिखाते हैं। यह देखिए इसका पिक्चर ऐसा आ रहा है, ज़्यादातर पिक्चर दाहिने साइड अंदर चला गया है और बाएं साइड से इतना काला है और धब्बा टाइप के आ रहा है। तो आज इसी फॉल्ट को हम बनाएंगे तो और आपको बनाना सिखा भी देंगे कि इस किस्म का फॉल्ट अगर किसी भी कंपनी के टीवी में आए तो आप आराम से बना सकते हैं। तो इसके लिए अब हम टीवी को खोलते हैं और टीवी को पीछे चलते हैं। तो सबसे पहले हम टीवी को बंद करेंगे और टीवी के पीछे चलेंगे और आपको किट दिखाते हैं। दोस्तों हमने टीवी को खोल दिया है और टीवी के पीछे आ गए हैं। अब इसका हम किट निकालेंगे और ये देखिए इसका हम स्पीकर का तार छटका देते हैं, पिन सॉकेट ये भी सॉकेट है इसको छटका देंगे, और यहाँ से एक पिक्चर ट्यूब का ये जो क्वाइल होता है इसका तार छटका देंगे, और उसके बाद टीवी को उलटेंगे और चेक करेंगे कि इसमें खराबी क्या कहाँ है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जानना यह ज़रूरी है कि इस टीवी में जो खराबी आया है वह किस जगह से है और कहां से आया है, नहीं तो हम सारा किट ढूंढते रह जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो यह जो खराबी है दोस्तों यह हॉरिजॉन्टल सेक्शन का खराबी है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन का काम है पिक्चर को दाएं से बाएं की ओर फैलाना, और वर्टिकल सेक्शन का काम है पिक्चर को ऊपर से नीचे की ओर फैलाना। तो हमारा बाएं और दाएं में दिक्कत है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन में दिक्कत है। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है जहां हमारा ईएसटी ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। ये देखिए ये सारा जो है हॉरिजॉन्टल सेक्शन का पार्ट्स है, इसमें हॉरिजॉन्टल सेक्शन का सामान लगा हुआ है और इसी से दिक्कत है। तो और यह हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर जब इंडक्शन करेगा फंक्शन काम करेगा तब ईएसटी आपका बनेगा और स्क्रीन पे आपका लाइट आएगा। तो हमारा सारा काम हो रहा है केवल बाएं से 2 इंच काला है उसी को बनाना है। तो इस किस्म का फॉल्ट ईएसटी से आता है, कभी कभार ऐसा होता है कि ईएसटी बदलने के पर ऐसा फॉल्ट आ जाता है, और कभी कभी किट में ऐसा फॉल्ट बिना ईएसटी बदले ही आ जाता है। तो यह ईएसटी बदला हुआ नहीं है, यह पुराना है लगा हुआ। तो इसमें जो फॉल्ट आता है वह एएफसी पिन पर और एबीएल पिन से आता है। तो ये दोनों पिन को हम चेक कर लेंगे और इसका वोल्टेज चेक कर लेंगे, यहीं से यह दिक्कत आता है। तो चलिए हम किट को उलटते हैं और देखते हैं। दोस्तों थोड़ा सा कैमरा नज़दीक करते हैं आपको और अच्छी तरह दिखाते हैं कि एबीएल और एसी पिन कहाँ होते हैं। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ईएसटी का कनेक्शन है और कनेक्टिंग पिन है। तो ये हमारा जो है ईएसटी का सप्लाई पिन है, यह पावर सप्लाई से 110 वोल्ट की सप्लाई यहाँ जाता है, और उसके बाद ये जो पिन है 110 वोल्ट इस पिन से होकर क्वाइल बना हुआ होता है ईएसटी में, और यहाँ सप्लाई आता है और ईएसटी हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर जो होता है यहाँ लगा हुआ इस पर सप्लाई आता है और युग क्वाइल को सप्लाई जाता है। अब देखिए इसके इधर बढ़िए,
यहाँ देखिए यह है भटकल सेक्शन की सप्लाई, इस पर 15 वोल्ट 14 से 15 वोल्ट माइनस सप्लाई और 14 से 15 वोल्ट इस पर प्लस सप्लाई आता है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई ईएसटी से ही भटकल सेक्शन को जाता है। और यह जो पिन है ग्राउंड का पिन है। उसके बाद यह जो आप पिन देख रहे हैं यह हीटर का पिन है जो पिक्चर ट्यूब के फिलामेंट को ऑन करता है। और उसके बाद यहाँ जो पिन है आपका, यह जो पिन है आपका, यह है AFC और यह AVL का पिन है। इस पर किट पर लिखा हुआ आपको गंदा हो गया इसलिए साफ नज़र नहीं आ रहा है। और यह है 180 वोल्ट की सप्लाई जो पिक्चर ट्यूब को जाता है और पिक्चर को लाने का काम करता है। यह 180 वोल्ट की सप्लाई है। अगर इस 180 वोल्ट आपका नहीं बनेगा या किसी प्रकार के इसके कंपोनेंट में कोई दिक्कत होगा, 180 वोल्ट के किसी भी कंपोनेंट में अगर आपको दिक्कत आएगा तो आपके टीवी के स्क्रीन पर रिट्रेस लाइन पतला पतला आएगा और सफ़ेद, तो आपको दिक्कत इसी से आता है। तो वो सब फॉल्ट छोड़िए, इन सब सारे फॉल्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ। अभी जो इस फॉल्ट है हम उसको बनाएंगे। तो इस दोनों पिन से, ये AFC है और ये AVL है, इसी दोनों पिन से ऐसा फॉल्ट आता है। तो सबसे पहले हम इस AFC को चेक करेंगे क्योंकि ज़्यादा चांस इसी से आता है। तो चलिए हम TV को सप्लाई देकर और ओके चालू करते हैं और उसके बाद इसमें वोल्टेज वगैरह सब चेक कर लेते हैं एक बार। दोस्तों हमने TV में लाइन दे दिया है और ये है मीटर आपका, देख लीजिए। हमारे पास अभी डिजिटल मीटर ख़राब हो चुका है, उसके जगह पर मैं इस मीटर का इस्तेमाल करूँगा। और एक पिन को हम यहाँ देखिए मीटर का प्रोड को हम यहाँ अर्थ कर देंगे और दूसरे से हम वोल्टेज चेक करेंगे पॉजिटिव वोल्ट। तो हमको सबसे पहले 110 वोल्ट सेट करना है, चेक करना है। तो हमारा हाई DC 250 के रेंज में मीटर को सेट करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले सप्लाई देखेंगे 110 वोल्ट। ये देखिए मेरा सप्लाई आ रहा है, ठीक है, और यहाँ भी सप्लाई आ रहा है। इस पर आपको ये डायोड द्वारा यहाँ 15 वोल्ट की सप्लाई आता है, यह सप्लाई देख लीजिए। देखिए यह सप्लाई भी मेरा बन रहा है, 10 के रेंज में सेट करके दिखाते हैं। देखिए यह सप्लाई आ रहा है और इस पर नेगेटिव सप्लाई आता है तो यह माइनस नीचे में आएगा। तो एक बार हम इसको पॉजिटिव पर रख देते हैं और आपको नीचे सप्लाई चेक करा देते हैं माइनस वाला। यह देखिए माइनस का सप्लाई भी ओके है, मेरा आ रहा है। तो हमारा जो दिक्कत है वो है AFC में। चलिए अब AFC में, और ये देखिए यहाँ से ये हीटर का कनेक्शन आता है, इसको हम AC 10 के रेंज में मीटर को सेट करेंगे। तो ये देखिए मेरा फिलामेंट की सप्लाई बता रहा है, यानी यह सब सही है। अब हम AVL की सप्लाई चेक करेंगे, इस पर देखिए AVL है, तो AVL वोल्टेज में मेरा बन रहा है, ओके है, ठीक है। और ये AVL यहाँ से होकर और इस रेजिस्टेंस द्वारा IC को ये AVL सप्लाई जाता है, यह सारा चीज़ ठीक है। अब मेरा AFC में वोल्टेज देखते हैं, इस पर देखिए किसी प्रकार का कोई वोल्टेज नहीं, इसमें मामूली हल्का आपको 1 वोल्ट या 0.5 वोल्ट के करीब आता है। ये देखिए AC के रेंज में सेट करने पर यहाँ सप्लाई है, हम AC की में सेट किए हैं मीटर को। अब देखिए हम यहाँ सप्लाई देख लेते हैं, यहाँ देखिए मेरा सप्लाई नहीं आ रहा है। यहाँ से यहाँ एक 10 किलो का रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, तो मेरा यहाँ सप्लाई बता रहा है। इसमें AC सप्लाई आता है एक प्रकार का, जो सिग्नल क्वालिटी को ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। तो इसमें AC हल्का AC सप्लाई आता है, तो AC सप्लाई मेरा यहाँ बन रहा है और यहाँ भी पहुँच रहा है, और यह रेजिस्टेंस द्वारा आपको यहाँ सप्लाई गया है, तो यहाँ सप्लाई मेरा नहीं आ रहा है। तो हम इस रेजिस्टेंस को निकाल कर चेक करेंगे, यहाँ 10 किलो का रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है। दोस्तों वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, तभी आप पूर्ण रूप से समझ पाएंगे, बिना वीडियो के भगाए हुए स्थिर से देखिए। चलिए आपको 10 किलो का रेजिस्टेंस दिखाते हैं, ये देखिए यह 10 किलो का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है। इसको हम बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद आपको चेक कर लेते हैं रेजिस्टेंस
कि रेजिस्टेंस कटा हुआ है या नहीं। दोस्तों हमने रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लिया है, यह देखिए ये रेजिस्टेंस है, इसको हम बाहर निकाल लिए हैं। अब हम मीटर से इसको चेक करेंगे, तो मीटर को 1 एम के रेंज में सेट करेंगे और चेक करा देते हैं। यह देखिए देखिए दोस्तों, यह किसी प्रकार का मीटर शो नहीं कर रहा है, यानी यह रेजिस्टेंस जो है मेरा कट गया है, जल गया है। इसी कारण से जो स्क्रीन पर जो पिक्चर आ रहा था, इसी कारण से आ रहा था काला धब्बा। चलिए इसके, यह 10 किलो का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का किट का नंबर रहता है, देखिए यहाँ पर है R229, यानी R229 नंबर का रेजिस्टेंस है। यह 10 किलो का रेजिस्टेंस होता है। अब हम एक दूसरा रेजिस्टेंस हम यहाँ पर नया रखे हुए हैं, अब वह आपको चेक करके दिखाते हैं। यह देखिए 10 किलो का रेजिस्टेंस है। यह देखिए मेरा जो है रेजिस्टेंस यहाँ पर यह शो कर रहा है कांटा, और जो जला हुआ था रेजिस्टेंस जो कटा हुआ था इसमें कांटा शो नहीं कर रहा है। तो हम ये नया वाला रेजिस्टेंस को लगाते हैं और टीवी स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको कि टीवी सही हुआ कि नहीं, और एक बार वोल्टेज भी चेक करा देंगे। रेजिस्टेंस को यहाँ पर लगाते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और किसी प्रकार के आपके मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। ये रहा मेरा रेजिस्टेंस। अब चलिए हम इसको सोल्डिंग कर देते हैं, और जो फालतू का जो कंपोनेंट पिन है उसको हम काट देंगे। चलिए अब ये तो हो गया। अब हम टीवी स्टार्ट करेंगे और वोल्टेज चेक करके सबसे पहले देखेंगे कि जो मेरा वोल्टेज नहीं बन रहा था, वहाँ नहीं पहुँच रहा था रेजिस्टेंस कटने के द्वारा, वह वोल्टेज मेरा आया कि नहीं आया। दोस्तों टीवी मेरा स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर मेरा वोल्टेज आ रहा था, यह देखिए कांटा शो कर रहा है, और इस पॉइंट पर नहीं जा रहा था, जीरो था एकदम। अब देखते हैं यहाँ, देखिए यह कांटा हिल रहा है, हल्का वोल्टेज यहाँ आ गया। बस इतना ही वोल्ट की ज़रूरत है, इसी की वजह से ऐसा परेशानी आ रहा था। अब चलिए आपको स्क्रीन दिखाते हैं कि इसका टीवी अब मेरा बिल्कुल सही हो गया है। ये देखिए इस टीवी का स्क्रीन, यह टीवी जो है काला धब्बा आ रहा था वह नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हम टीवी को बंद करते हैं और किट को बैठा कर और आपको अब सामने से पिक्चर चला के दिखाएंगे कि यह टीवी बिल्कुल सही हुआ कि नहीं हुआ, तभी आपको विश्वास हो पाएगा। तो इसका जो जो हम पिन निकाले थे वह सारा पिन लगा देंगे और यह टीवी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हो गया। अब टीवी को हम अपनी ओर सामने करते हैं। यह देखिए हम टीवी को अपनी ओर सामने कर लिए। अब टीवी को हम स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। मेरा टीवी में यहाँ सप्लाई भी आ गया। अब रिमोट से हम इसको ऑन करेंगे। यह टीवी ऑन हो गया। अब देखिए इसका स्क्रीन अच्छी तरह, ये देखिए इसमें जो काला यहाँ पर पट्टी आ रहा था धब्बा, अब यह धब्बा नहीं आ रहा है, यह बिल्कुल सही हो गया है। अब चलिए आपको DTH लगाकर और स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो ये रहा DTH का पिन। अब हम इसको पीछे खोसेंगे। हमने DTH स्टार्ट कर दिया है और टीवी को हम ये भी करते हैं रिमोट से। देखिए जो टीवी मेरा दाहिने साइड ज़्यादा घुस गया था, अब यह टीवी बिल्कुल सही हो गया है। इस टीवी इस साइड आ गया है, अपने जगह पर यह टीवी आ गया है। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। धन्यवाद।